आज हम इस वक्त मीरा भाईंदर के स्टील मार्केट में, जहाँ पे माथाड़ी कामगार संघ और जाउली सातारा युवा फाउंडेशन की तरफ से कोल्हापुर और सांगली में आए हुए बाढ़ में मदद की जा रही है। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कहना है यहाँ के लोगों का। सर, ये जो बाढ़ आई है सातारा और कोल्हापुर में, आपने यहाँ से आप मदद भेज रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? चीज़ तो ऐसी बाढ़ जैसी आपत्ति कोई भी शहर पे या कोई भी विभाग में आनी नहीं चाहिए, कि निसर्ग का कहर है, बाढ़ आई है, लेकिन वो संकट का सामना सबको मिलके करना है। हम भी जावली सातारा युवा फाउंडेशन और मेटल माथाड़ी कामगार संघ भाईंदर, इनके तरफ से जीवनावश्यक वस्तु, खाने का चावल, आटा, मेडिसिन और साड़ी, ब्लैंकेट, और ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए स्कूल, क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, तो पहले उनके लिए हम लोग ने स्कूल का नोटबुक और स्कूल बैग ऐसा हम लोग ने जमा किया है। हम लोग का सबसे बड़ा सहयोग हमारे स्टील मार्केट का जो व्यापारी बंधु है, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया है। उनके सहयोग से ही हम लोग का हिम्मत बढ़ी और हम लोग ने आज इतना सब सामान इकट्ठा करके हम लोग कोल्हापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे राजू भाई, हितेश भाई, यहाँ के स्टील के व्यापारी, उन्होंने सब लोग ने सहयोग दिया, और विशेष करके जो माथाड़ी कामगार है, उन्होंने खास करके अपना समय निकाल के रात को 12 बजे तक रुक के सब ये पैकिंग है। आज दिन भर कोई काम नहीं किए, आज एक दिन पूर्वग्रस्त है उनके मदद के लिए रखा था, और सब लोग ने मिलकर पैकिंग किया, और ये वहाँ पे जाके कल हम लोग 15 जन की टीम जा रही है, और वहाँ पे सब सामान घर टू घर, होम टू होम सबके हाथ में देंगे। और जहाँ पे बाढ़ का जितना नुकसान हुआ है, वहाँ पे हमारे जावली सातारा युवा फाउंडेशन के तरफ से कुछ धनराशि भी हम लोग वहाँ पे देने वाले हैं। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, और वापस एक बार कहना चाहता हूँ, ये पूर्व परिस्थिति जैसा भीषण संकट कोई भी युवक पे या शहर पे नहीं आना चाहिए। आपके साथ में और कौन सी संस्था है, बारे में बताएंगे? नहीं, हमारी दो संस्था है मुख्यतः यहाँ पे, ये जो ऑर्गेनाइज है वो मेटल बाजार माथाड़ी कामगार संघ और जावली सातारा युवा फाउंडेशन और हमारे स्टील के व्यापारी बंधु माथाड़ी कामगार व्यापारी मंडल। हमारी भी छोटी सी मदद जावे हमारी इच्छा थी। हर एक जन अपने मेहनत के पसीने से, अपने कमाई के पसीने से जो योगदान होवे वो योगदान किया है। आप क्या क्या सामान दे रहे हो? हम लोग एक पैकेट बनाया, हम लोग ने एक पैकेट बनाया हुआ, किट बनाया हुआ, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, अपना जो रोज का यूज़ में आने वाला बर्तन है, वाटी, चम्मच, गिलास, थाली, डब्बा, और चाय पाउडर, शक्कर, ऐसे बहुत से सामान दिए हुए। मदद कर रहे हैं माथाड़ी कामगार संघ की तरफ से, तो इसके बारे में आप कुछ दो शब्द कहेंगे, आप लोग किस तरह से ये कर रहे हो, कैसे लोग इकट्ठा है एक होकर एकत्र होकर, इसके बारे में जानकारी देंगे? पूरा ज़्यादा करके मजदूर भाइयों का प्रसंग है, इन्होंने पूरा अपना कष्ट करके मेहनत करके, उनकी जो भावना है उच्च भावना है, और इन्होंने जो ये उच्च भावना से ये जो कदम लिया है, ये जो काम किया है, उसके लिए हम स्टील बाजार वाले भी उनका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, कि ऐसा काम जो उन्होंने किया है एक तो मानदायक काम है, बढ़िया काम है। जी, ये पहली बार कर रहे हो ऐसा? पहले भी बाढ़ आई थी इस तरह के, आप लोगों ने पहले भी कार्य किए हुए हैं? आगे कच्छ के जो भूकंप में उन्होंने कार्य किया हुआ है, भूकंप भी किया था लातूर, जो लातूर का जो भूकंप था, कच्छ का जो भूकंप था, काम किया हुआ है। संकट काळी मदत करना हे आम्हाला शिवरायांची शिकवण आहे, आणि आम्ही शिवरायांचे मावळे आहोत। ज्या ज्या वेळी संकट येतील त्या त्या वेळी हे मावळे धावूनच जाणार, त्याच्यामध्ये काही प्रश्नचिन्हच नाही। आणि शिवाजी छत्रपती महाराजांच्या पावन भूमीमध्ये अशी कधी संकटं येऊ नयेत, आणि आली तरी त्या संकटापासून सर्वांचा बचाव व्हावा, हीच आमची ईश्वरचरणी प्रार्थना। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय।